रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? जब हम दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए लेते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, और जब उसे कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो जो ये हमारा नया डीएनए फॉर्म हो रहा है उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जरा इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस बाय मींस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आखिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे पास डीएनए होना चाहिए। अब डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है अलग अलग टाइप्स के सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो, या वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, या फिर वो कोई एनिमल सेल हो। इन सब के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा इसमें डीएनए होता है वो सेल के अंदर पैक्ड होता है, और उसे इस टेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इस डीएनए को इस सेल से अलग करना होगा, तभी हम इस टेक्निक में इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस प्रोसेस का क्या नाम है जब हम किसी डीएनए को एक सेल से अलग करते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब इस प्रोसेस के लिए हमें अलग अलग तरीके के एंजाइम्स चाहिए। हम अलग अलग तरीके के सेल्स को अलग अलग तरीके के एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं, तब जाके हमारा जो डीएनए है वो सेपरेट आउट होता है सेल से। जैसे कि ये है एक हमारा बैक्टीरियल सेल। हमें पता है इसकी सेल वॉल किससे बनती है? इसकी सेल वॉल बनती है पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड से। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइम लाइसोजाइम का। जब हम इस बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करते हैं, तो जो ये है इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाता है। अब ये इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेगा तो फिर इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल फ्री हो जाएगा, जिसका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं अगर हम फंगल सेल को देखें तो इसकी सेल वॉल में क्या स्पेशल होता है? इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है काइटिन, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए हम काइटिनेस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस एंजाइम का इस्तेमाल करने के बावजूद जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है, और न्यूक्लियस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, और न्यूक्लियस जो बना रहता है वो प्रोटीन से बना रहता है। इसीलिए उसे डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेस और प्रोटीएस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम फंगल सेल को इन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है। वहीं अगर हम प्लांट सेल को देखें तो इसमें स्पेशल क्या है? इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, इसीलिए उसे हम ट्रीट करते हैं सेल्यूलेज के साथ, जो इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेता है। और वहीं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को और न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइपेस एंजाइम और प्रोटीएस एंजाइम का, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर जो बनी रहती है वो लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए हम इसे लाइपेस और प्रोटीएस एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं। वहीं अगर हम एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं रहती, लेकिन जो उसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और जो ये हमारा न्यूक्लियस है वो किसके अंदर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर के अंदर, इसीलिए उसे हम ट्रीट करते हैं लाइपेस एंजाइम और प्रोटीएस एंजाइम के साथ, जो इसे डाइजेस्ट करके हमारे जेनेटिक मटेरियल को फ्री कर देता है। हमें पता है अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइम पे आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और उसे डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इतनी सारी चीजों से हमें ये बात पता चल जाती है कि एक डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें एक सेल को अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट करना होता है। तो अब जरा एक एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं कि आखिर एक डीएनए आइसोलेट कैसे होता है एक सेल से। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर हम अपना सेल डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ इसमें ये प्लांट सेल डाल रही हूँ, ये इसका मैग्नीफाइड वर्जन है।
जो ये प्लांट सेल हमने डाला है तो सबसे आउटर इसकी कौन सी लेयर है, सेल वॉल, जो कि बनी है सेल्यूलोज से। इसीलिए हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे सेल्यूलेज एंजाइम। सेल्यूलेज एंजाइम क्या करेगा, सेल्यूलेज एंजाइम इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेगा। अगर ये इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर में जो मटेरियल प्रेजेंट था वो, यानी कि न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म और बाकी सारी चीजें। अब हमें पता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड और प्रोटीन से, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग लाइपेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम भी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को डाइजेस्ट करके हमारे न्यूक्लियस को फ्री कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये जो न्यूक्लियस है वो किससे बनी रहती है, वो प्रोटीन से बनी रहती है, जिसे डाइजेस्ट करता है प्रोटीएज एंजाइम। और इस तरीके से अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करने के बाद जो हमारा, जो इस सेल का डीएनए है वो फ्री हो जाता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक सेल को एंजाइम्स के साथ ट्रीट करने से ही उसका डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और आपको, आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालनी होगी और वो है चिल्ड इथेनॉल। जब हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे उसके बाद ही जो है हमारा डीएनए, जो सेल का डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा व्हाइट कलर का, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और फिर उस डीएनए को उस टेस्ट ट्यूब से निकाल लेते हैं, और जब हम उस निकाल रहे हैं उस डीएनए को, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। स्पेलिंग है जिसकी SPOOLING, स्पूलिंग। जब हम उस टेस्ट ट्यूब से उस डीएनए को निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। अब अंत में हम लोग एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा एंजाइम कौन से बायोमॉलिक्यूल या कौन से सेल पर एक्ट करके उसे डाइजेस्ट करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइटिन से। काइटिन प्रेजेंट होता है फंगल सेल्स में, उसकी सेल वॉल में, और काइटिन को डाइजेस्ट करता है काइटिनेस एंजाइम। लिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और इसे डाइजेस्ट करता है लाइपेस एंजाइम। प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है प्रोटीएस एंजाइम। सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर, उसकी सेल वॉल में, और जिसे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है सेल्यूलेस एंजाइम। बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड से बनी रहती है, उसे डाइजेस्ट करता है लाइसोजाइम एंजाइम। सो आप इसे एक दो बार रिवाइज करेंगे और आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो एक सेपरेट आउट हो गया एक सेल से। अब आज की वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे इस डीएनए का इस्तेमाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और उसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, कौन से एंजाइम्स डीएनए को काटते हैं और कौन से एंजाइम्स उस डीएनए को जोड़ते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है, इन सब की बात हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।